नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी नोट्स पीजीपी। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक क्लास 11 का फिजिक्स का पेपर सॉल्यूशन करा दिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ था तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। गाइस हम इसका अथवा देखेंगे कि 10 किलोग्राम वस्तु को पृथ्वी की सतह से 10 मीटर उठाने पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। चलिए हम देखते हैं इसका अथवा। गाइस यहाँ पे हमें दिया हुआ था द्रव्यमान का मान, द्रव्यमान 10 केजी दिया हुआ था। इसके बाद विस्थापन हमें दिया हुआ था एस बराबर 10। तो इसके बाद हमने सूत्र लगाया कार्य का, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन, डब्ल्यू बराबर एम जी इंटू एस। तो बस हमने मान रख दिया जो हमें दिया हुआ था, डब्ल्यू बराबर बल हमें दिया हुआ था 10 और विस्थापन दिया हुआ था 9.8 और 10 का गुणा करके फिर हमने इसका आंसर निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं 980 हमारा आंसर आया, 980 जूल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ था। 14वें क्वेश्चन में हमें कोणीय वेग की परिभाषा लिखनी थी। तो इसका होता है वृत्तीय गति में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो बस इसमें हमें इतना ही लिखना था, आप चाहें तो इसकी छोड़ लेते जाइए। इसके बाद देखेंगे हम 15वें का अथवा। तो यहाँ पे हमें LHS लिया हमने, तो LHS में हमने T बराबर 2π L अपॉन G सूत्र लगाया। LHS लिया हमने, LHS क्या लिया, T होता है आवर्तकाल, तो इसका विमेय सूत्र होता है एम जीरो एल जीरो इंटू टी। तो हमने यहाँ पे LHS ले लिया। अब इसके बाद RHS लिया, तो RHS में हमने क्या किया, 2π L अपॉन G। तो फिर 2π हमारा विमाहीन राशि है, इसलिए 2π यहाँ से हट जाएगा। 2π हटने के बाद गाइस यहाँ पे हमने L का मान रखा, L क्या होता है लंबाई और G क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो हमने लंबाई का विमेय सूत्र रखा और गुरुत्वीय त्वरण का लिखा। तो लंबाई का होता है L और गुरुत्वीय त्वरण का होता है L T माइनस 2। तो L से L कैंसिल हो गया और बचा माइनस 2। तो फिर इसके बाद हमने जब आगे सॉल्व किया तो आपको दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से, 1/L माइनस 2 बचा L से L कटने के बाद। तो यहाँ पे L माइनस 2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे, इनवर्स में है अभी, तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा माइनस की घात, तो टी स्क्वायर आ गया। टी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा टी, और टी का भी मैं सूत्र क्या होता है एम जीरो एल जीरो टी। तो यहाँ से हमारा LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक इसे पहुँचाइए, क्योंकि पिछली बार की वीडियो आपने स्क्रीनशॉट लेके स्किप कर दी थी। गाइस अगर आप इस वीडियो को भी स्किप करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए देखने नहीं मिलेगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। इसके बाद 16वें का अथवा देखते हैं। यदि वस्तु सरल रेखा के अनुदेश घटते हुए वेग से गति करती है तो त्वरण की दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है और तथा त्वरण ऋणात्मक होता है। 16वें क्वेश्चन का अथवा ये रहा। इसके बाद देखते हैं हम इसके आगे का। और ऊपर की ओर प्रक्षेपित किसी पिंड के उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है तथा त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारा 16वां कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम 17वां। तो 17वां में हमें सिद्ध करना था कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो गाइस मैंने पूरा आपको व्यंजक दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा व्यंजक इसमें कवर कर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, फिर इसके बाद एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, और एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, फिर एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। फिर यहाँ पे हमने पूरा सिद्ध कर दिया, लास्ट यहाँ पे हमने पूरा सिद्ध करके रख दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन तभी देखने के लिए मिलेंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप करके अगर आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो गाइस मेरा बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, फिर उसको लिखने में, तो गाइस बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए आपको स्किप नहीं करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।